जो यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हम सब लोग एक इनविजिबल फोर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। किसी का दुख किसी को बहुत तकलीफ देता है, और किसी की खुशी बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। हम सब लोगों को कनेक्ट करने वाली जो एक पावर है वो है लव। और जो स्पिरिचुअल लव को जान गया, स्पिरिचुअल लव को समझ गया, वो दुख सुख के झंझट से ऊपर उड़ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किसे कहानियां किताबें। नाम है निशा, लेकर आई हूँ नॉवल द 40 रूल्स ऑफ लव की समरी का कॉन्टिन्यूशन नॉवल, जिसे लिखा है एलएफ शेफाक ने। 2009 में लिखी गई है नॉवल। ये नॉवल जिसमें चल रही है दो कहानियां, पहले दो पार्ट्स आप मेरे चैनल पर जरूर सुन चुके होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पहले दो पार्ट्स सुन सकते हैं। ये नॉवल जिसमें दो कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही है, एक कहानी है एला रूबिनसन की, जो एक मिडिल एज वुमन है, शादी हो चुकी है, तीन बच्चे हैं, पर इस लाइफ को वो कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं नहीं जानती। एक बुक पढ़ने से उसकी जिंदगी पूरी बदल चुकी है, और वो बुक की कहानी ही है दूसरी कहानी, बुक जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी, जिसमें बात की गई है 40 रूल्स ऑफ स्पिरिचुअल लव की। चलिए नॉवल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रूमी और शम्स, ये दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, ऐसा रूमी का बेटा सुल्तान तो समझता है, बट केन्या में रहने वाले बाकी लोग नहीं समझते। बहुत सारे लोग इन दोनों के रिश्तों पर बहुत सवाल उठाते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर महसूस करते हैं। रूमी जो एक स्कॉलर था, मस्जिद में जाता था, सर्मन्स देता था, मदरसा में बच्चों को पढ़ाता था, उसको हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, इनफैक्ट अभी भी है, बट अब शम्स को पाने के बाद, शम्स के वो 40 रूल्स ऑफ स्पिरिचुअल लव जानने के बाद, वो मदरसा में जाकर पढ़ाना नहीं चाहता। शम्स ने उसे कहा कि एक दिन पूरी दुनिया उसके शब्दों को जानेगी, पूरी दुनिया उसकी सोच को पहचानेगी। रूमी ने पूछा, कैसे? पर मेरा तो अब सर्मन्स देने का मन नहीं करता। जिस पर शम्स ने कहा, तुम्हारे सर्मन्स नहीं, तुम्हारी पोयम्स। रूमी ने कहा, पोयम्स? पर मैं तो कभी पोयम्स नहीं लिखता। शम्स ने कहा, लिखोगे, और तुम्हारी वो पोयम्स पूरी दुनिया में फेमस होंगी, वॉइस ऑफ लव, प्यार की आवाज बनोगे तुम। रूमी प्रोटेस्ट तो करना चाहता था, पर शम्स की डिटर्मिनेशन को देखकर वो चुप हो गया था। तब रूमी ने कहा, ठीक है, जो तुम कहो वही सही, पर जो भी करेंगे हम दोनों साथ में करेंगे। जिस पर शम्स मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हें ये सफर अकेले ही तय करना होगा। रूमी ने कहा, अकेले क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर शम्स ने कहा, सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता। रूमी शम्स के बिना की जिंदगी सोच नहीं सकता, और शम्स की इस बात ने उसके दिल में एक बहुत बड़ा दर्द पैदा कर दिया था, शम्स को खो देने का दर्द। शम्स और रूमी की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी, और सुल्तान बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि शम्स ने बहुत सारे दुश्मन यहाँ पर पैदा कर लिए थे अपने बिहेवियर के थ्रू। वो रूमी के दरवाजे पर बैठा रहता था, और जो लोग रूमी से मिलने आते थे उनसे सवाल पूछता था, क्यों आए हो, क्या लाए हो, क्या कारण है, कुछ गिफ्ट लाए हो या नहीं। वो लोग कई बार वापस लौट जाते और कुछ गिफ्ट, कभी कुछ मिठाई, कभी लाम, कुछ भी लेकर आते। तब शम्स और ज्यादा गुस्सा हो जाता। एक बार एक आदमी ने तो बहुत गुस्से में कहा था, तुम हमसे पूछ रहे हो तुम क्या लाए हो रूमी के लिए? तब शम्स ने कहा था, मैं तो अपना सर उसके लिए कलम करने को तैयार हूँ, तुम बताओ। ये सुनने के बाद उस आदमी को गुस्से से ज्यादा कंफ्यूजन की फीलिंग आई थी। सुल्तान ने तब शम्स से पूछा था, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने इतने सारे दुश्मन पैदा कर लिए हैं? शम्स ने बहुत कंफ्यूज होकर पूछा था, दुश्मन? भगवान को मानने वालों के दुश्मन नहीं होते, उनके क्रिटिक्स हो सकते हैं, उनके राइवल्स हो सकते हैं, बट एनिमीज नहीं। सुल्तान ने कहा, पर तुम उन लोगों के साथ झगड़ा करते हो? शम्स ने कहा, मैं उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करता, मैं उनकी ईगो के साथ झगड़ा करता हूँ। ये भी एक उन 40 रूल्स में से ही रूल है। ये दुनिया एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ की तरह है, जो भी आप बोलोगे वो वापस आएगा। बुरा बोलोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो तो हर इंसान के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलो। तब सुल्तान ने कहा, तुम्हें अजीब नहीं लगता?
दो आदमियों के बीच के रिश्ते के बारे में जो लोग बातें बना रहे हैं। तब शम्स ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त नदी के उस पार जा रहे थे, तब उन्होंने देखा एक लड़की को जिसे नदी को पार करना था और वो कर नहीं पा रही थी। तो उनमें से एक आदमी ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और नदी पार करवा दी। वापस लौटा, अपने दोस्त को कहा, चलो अब चलते हैं। दोस्त को बहुत बुरा लगा, वो चुप रहा। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने उससे पूछा, तुमने उस लड़की को अपनी गोद में क्यों उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हें सेड्यूस कर सकती थी। जिस पर उस आदमी ने कहा, मैंने तो उस लड़की को नदी के उस पार छोड़ दिया, पर तुम अभी तक उसे उठाए हुए हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटीज का भार हमेशा उठा कर रखते हैं। अगर अगली बार तुमसे कोई मेरे और तुम्हारे पिता के रिश्ते के बारे में पूछे तो उसे कह देना, अपने बारे में सोचो, पहले अपनी चिंता करो। उधर डेजर्ट रोज, वो ब्रॉथल, वो कोठा छोड़कर जाना चाहती है, बट उसे मौका नहीं मिल रहा। तब एक दिन रात को वहां पर बेवर्स आता है, बस जो कि वो चौकीदार है जो मुसलमानों का ठेकेदार बना फिरा है, जिसने डेजर्ट रोज को उस दिन मस्जिद में भी बेइज्जत किया था। जब वो यहाँ कोठे पर आता है, रोज उसके साथ रात नहीं बिताना चाहती, वो रेजिस्ट करती है, तो बेबर्स उसे बहुत मारता है, उसके बाल पकड़कर खींचता है, उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। उस दिन रोज को ऐसा लगता है कि जैसे अब वो मरने वाली है, शायद वो मर चुकी है। तब उसके अंदर से मौत का डर निकल जाता है। शायद शम्स ऑफ तबरीज ने ठीक ही कहा था, उसे ये कोठा छोड़ना ही होगा। अब इस कोठे को छोड़ने का समय आ चुका है और इस इंसिडेंट ने रोज को बहुत हिम्मत दिलाई थी। अगले ही दिन वो अपना सामान बांधकर, बैग लेकर रात के अंधेरे में जब कोठे के दरवाजे पर पहुंची, तो वहां वो लड़की वो जो उस दरवाजे को गार्ड कर रही थी, वो भी एक टाइम पर ही कोठा छोड़कर जाना चाहती थी, नहीं जा पाई। और आज रोज ये हिम्मत कर रही है, शायद इसी बात ने उसे रोक लिया था और उसने रोज को कुछ नहीं कहा था, उसे जाने दिया था। इधर एला के पास अजीज का ईमेल आता है, जिसमें अजीज एला को अपनी कहानी बताता है कि वो एक फोटोग्राफर था, उसे एक लड़की से प्यार हुआ था, दोनों साथ में रहने लगे थे। अजीज के लिए वो लड़की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। तब एक दिन रोड एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई थी और अजीज की दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। वो उसके बाद जीना नहीं चाहता था, ड्रग्स लेने लगा, बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, किसी भी लड़की के साथ कभी भी गया, पर उसे वो सुख वो चैन नहीं मिला। और शायद उस लड़की को खो देने के कारण ही एक दिन वो सूफी बना। उधर स्टोरी एक बार फिर स्वीट ब्लास्फेमी नॉवल पर आ जाती है, जो कि एला पढ़ रही है। यहाँ केम्या, जो कि रूमी की डॉटर है, वो शेम से बात करना चाहती है, बहुत दिनों से मौका ढूंढ रही है। और आज जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो शेम्स को कहती है कि वो कुरान का लास्ट लेवल, सबसे डीपेस्ट लेवल जानना चाहती है। शेम्स कहता है, लास्ट लेवल उसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिस पर केम्या कहती है, मैं उस लास्ट लेवल की डीपनेस को महसूस करना चाहती हूँ, मैं प्यार को महसूस करना चाहती हूँ। शेम्स तब उसे एक और 40 रूल्स ऑफ स्पिरिचुअल लव का रूल बताता है। हम डेस्टिनी को भगवान के हाथ में नहीं छोड़ सकते, हम नहीं कह सकते कि जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे। यूनिवर्स का म्यूजिक 40 डिफरेंट लेवल्स में होता है और आपकी डेस्टिनी वो ट्यून है जो आपको खुद बजानी है। हाँ, आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर सकते, वो आपको मिलता है, पर ट्यून क्या बजानी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुद डिसाइड करना है। तब किमियों से कहती है, तुम जानते हो तुम्हारे बारे में लोग कितनी बुरी बुरी बातें बना रहे हैं। जिस पर शम्स केम्या को एक कहानी सुनाता है। एक बार एक आदमी सूफी को कहता है, वो देखो वो लोग कितनी सारी ट्रेज लेकर आ रहे हैं। सूफी कहता है, तो हमें उसकी चिंता क्यों करनी है। तब वो आदमी कहता है कि वो ट्रेज तुम्हारे लिए ही लेकर आ रहे हैं। जिस पर सूफी कहता है कि फिर तुम्हें उसकी चिंता क्यों करनी है। शम्स कहता है कि लोग हमेशा दूसरों की ज्यादा चिंता करते हैं, अपनी नहीं करते। तो लोग जो भी कहते हैं कहने दो, जो मैं कहता हूं उनके लिए वो ब्लास्फेमी हो सकता है। पर किमिया कहती है, जो भी आप कहते हो वो मेरे लिए तो स्वीट ब्लास्फेमी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कहकर वो शर्मिंदा हो जाती है, वो अपने कमरे में भाग जाती है। वो जानती है कि वो शम्स ऑफ तबरीज से प्यार करने लगी है।
शम्स जानता है कि गॉसिप भगवान की आंखों में सबसे सबसे बड़ा क्राइम है, फिर भी लोग अपने काम से काम नहीं रखते। वो दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करते रहते हैं, वो दूसरों के लिए बुरी बुरी बातें बनाते रहते हैं। शम्स को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि वो ब्लैक मैजिक करता है, वो कहते हैं कि वो किसी मर्डरर के ग्रुप को बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कभी कभी उसे रूमी की चिंता होती है। रूमी ने न कभी ऐसा देखा न ऐसा महसूस किया, वो तो हमेशा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा है। वो सोचता है कि सबसे बुरी तीन चीजें होती हैं। अगर एक रिस्पेक्टेड मैन की रिस्पेक्ट छीन ली जाए, अगर एक अमीर आदमी का सारा पैसा छीन लिया जाए, या फिर एक वाइज मैन के आसपास स्टूपिड लोगों को बिठा दिया जाए, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा है। शम्स ये समझता है, जानता है, उसने बुराई और अच्छाई दोनों को देखा है, समझा है। पर रूमी के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। पर अगर उसे एक हायर स्टेज पर पहुंचना है, अगर उसे स्पिरिचुअलिटी की उस ऊंचाई को टच करना है, तो उसे ये स्टेज भी पार करनी ही होगी। रूमी को ये सब कुछ महसूस करना ही होगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। इधर अजीज अपनी अगली मेल में एला को आगे की कहानी बता रहा है। वो बताता है कि जब उसने ड्रग्स लेना शुरू किया, जब उसने पब्स में जाना शुरू किया, जब उसने कुछ भी और कहीं भी करना शुरू किया, तो वो खुश नहीं था, वो परेशान था, किसी ना किसी चीज की सर्च में था। और एक दिन उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। गलती रियलाइज होने के बाद उसने फोटोग्राफी की एक जॉब एक्सेप्ट कर ली। वहां वो फोटोग्राफी कर रहा था, तब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली मक्का मदीना जाने की। उसे कहा गया कि बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस पर उसे फोटोग्राफ खींचने को मिलेगी, शूट करने को मिलेगा, पर इस जगह पर जाने के लिए उसे इस्लाम में कन्वर्ट होना होगा। अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। उसने सोचा कि अगर कुछ अच्छा करने को मिल रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसे सजेशन दिया गया कि वो सूफी से जाकर मिले, जो उसे बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होना है। वो था अजीज का सूफिज्म के साथ पहला एनकाउंटर। उसके बाद वो मक्का मदीना कभी नहीं गया, वहीं पर रह गया, उन्हीं के साथ सोने लगा, उन्हीं के साथ खाने लगा, उन्हीं की उस अलग दुनिया को एंजॉय करने लगा। तब वहां उसे मास्टर समीर मिले थे। उन्होंने कहा था कि तुम मक्का मदीना जा सकते हो अगर ड्रग्स लेना छोड़ दो। अजीज बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि वो बहुत छुप छुप कर ड्रग्स ले रहा था। क्या ये लोग उसका बैग चेक कर रहे हैं? अजीज की सोच को भी मास्टर समीर ने जान लिया था और कहा था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें तुम्हारा बैग चेक करने की जरूरत नहीं है। तब उसने अपनी सारी ड्रग्स मास्टर समीर को दे दी और वो एक सच्चा सूफी बनने के रास्ते पर चल दिया था। वही मास्टर समीर ने ही उसे शम्स के बारे में बताया था, शम्स ऑफ तबरीज के बारे में बताया था कि एक आदमी यहाँ पर आया था, एक सूफी यहाँ पर आया था, बताया था कि वो उन्हें बहुत रिजेंबल करता है। अजीज बहुत क्यूरियस हो गया था, शम्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा था, बहुत किताबें पढ़ने लगा था। और तब रूमी से प्यार हो गया था, रूमी की उन सभी पोयम से प्यार हो गया था, और रूमी को पढ़ने के बाद वो एक अलग इंसान बन गया था। और शायद रूमी को पढ़ने के बाद ही वो एक सच्चा सूफी बन पाया था। इधर एला जो बुक पढ़ रही है, उसमें शम्स रूमी के कमरे में जाता है, उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। रूमी कहता है कि मैं अपनी वाइफ को कह देता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बना देगी। तब शम्स कहता है कि जिस चीज़ की प्यास मुझे है वो इस घर में मौजूद नहीं है, मैं वाइन पीना चाहता हूँ। जाओ, तुम जाओ और दो बॉटल वाइन ले आओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। रूमी ने कभी वाइन नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, ना वो शराब पीना चाहता है। पर वो शम्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहता, कुछ पूछना नहीं चाहता। अगर शम्स ने कुछ कहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। रूमी कहता है ठीक है, मैं जाकर ले आऊंगा। तब शम्स कहता है तुम्हें जल्दी से लेकर वापस आने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर वहां बैठना, वहां पर लोगों से बात करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रूमी वहां से चला जाता है। तब शम्स बहुत खुश होता है, सोचता है कि फाइनली उसे एक सच्चा कंपेनियन मिल गया है, जिसे अपनी ईगो, अपनी इज्जत, अपने नाम का कोई ख्याल नहीं है। वो बस वही करना चाहता है जो शम्स चाहता है। रूमी शराब लेने शराब खाने में पहुंच जाता है। वहां के लोग मौलाना को देखकर बहुत हैरान होते हैं। मालिक पूछता है आप यहाँ? रूमी कहता है हाँ, मैं शराब लेने आया हूँ। वहां पर सुलेमान भी होता है और सुलेमान के साथ वाली टेबल पर रूमी बैठ जाता है। तब सुलेमान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो?
जिस पर रूमी कहता है कि मैं एक सूफी ट्रायल पर हूँ, मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। शम्स मुझे बेइज्जत करके मुझे अपनी ईगो पर काबू पाने में मदद करना चाहता है, मुझे अपनी ईगो को छोड़ने में मदद करना चाहता है। जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। रूमी तब देखता है सुलेमान के फेस पर वो स्कार और पूछता है कि क्या हुआ था, जिस पर सुलेमान उसे अपनी कहानी बताता है। तब सुलेमान रूमी से पूछता है कि इस्लाम में शराब पीना क्यों हराम है, क्यों इस्लाम में शराब नहीं पी जा सकती, जिस पर रूमी उसके सवाल का जवाब देता है। रूमी कहता है कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो शराब पीकर भी तुम एक अच्छे इंसान ही रहोगे, अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है तो शराब पीने से तुम्हारे अंदर की कोई बुराई बाहर नहीं आएगी, पर अगर तुम एक बुरे इंसान हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर नफरत है, तो शराब पीने के बाद वो बढ़ जाएगी और हम सब के अंदर ये गुस्सा, ये नफरत, ये ईगो होती है और शराब पीने के बाद हम सब बुरा बिहेव करने लगते हैं, इसीलिए इस्लाम में शराब पीना हराम है। रूमी का बेटा अलादीन किम्या से बहुत प्यार करता है। किम्या उसकी बहन है पर कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं, सगी बहन तो नहीं, उसके पिता ने उसे अडॉप्ट ही तो किया है। वो किम्या से शादी करना चाहता है और कब से वो अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है पर उसे वो मिल ही नहीं रहे। आज जब वो अपने पिता को हाथ में दो शराब की बोतलें लेकर आते हुए देखता है तो वो आग बबूला उठता है। वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों लाए हैं आप ये। तब रूमी कहता है कि शम्स के कहने पर, जिस पर अलादीन कहता है कि आप, ये आदमी आपको इतना कंट्रोल करने लगा, आपकी कितनी बेइज्जती कराएगा ये आदमी। जिस पर शम्स उसकी बात सुनता है और कहता है कि अपने बाप से बात करने की तुम्हें तमीज़ नहीं है। अलादीन गुस्सा उठता है, चिल्लाता है और कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे और मेरे पिता के बीच में आने वाले। ये बात रूमी को अच्छी नहीं लगती और वो अलादीन को बहुत डांटता है। वहीं किम्या भी ये सब कुछ देख रही होती है। अपने प्यार के सामने यूं बेइज्जत होना अलादीन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भाग जाता है, चला जाता है। इधर एला जो अजीज के प्यार में पड़ती जा रही है, उसे अजीज से बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो दिन रात उसे मेल्स लिखती है, जब मौका मिलता है उसे कॉल करती है। वहीं डेविड का बिहेवियर, एला के हस्बैंड का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है। वो एला को अब ज़्यादा टाइम देने लगा है, वो छुट्टी लेकर घर में बैठने लगा है, एला के साथ बात करना चाहता है। जब वो बात करना चाहती थी तब डेविड अवॉइड करता था, आज वो बात करना चाहता है तब एला अवॉइड कर रही है। आज डेविड ने एला को बाहर खाना खाने जाने के लिए कहा, एला मना तो करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। ये दोनों जब बाहर खाना खाने पहुंचे तब डेविड ने उससे अजीज के बारे में पूछा। एला ने कहा कि वो उस बुक का ऑथर है, एक दो मेल्स एक्सचेंज हुई थी, मैं रूमी के बारे में पढ़ने लग गई, उसकी पोएम्स मुझे अच्छी लगने लगी तो बस उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। जिस पर डेविड ने कहा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैंने तुम्हारी और उस आदमी की सारी ईमेल्स पढ़ी हैं, ये सब क्या है एला। जिस पर एला एडमिट करती है, कहती है कि वो अजीज से प्यार करती है। डेविड कहता है कि ये शब्द इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं एला, तुम क्या बात कर रही हो। एला जब ये शब्द इस्तेमाल करती है तो सोचती है कि शायद डेविड हंसेगा, पर डेविड डर चुका है। वो कहता है, एला सब कुछ छोड़ दो, हम नई शुरुआत करेंगे, मैं भूल जाऊंगा जो हुआ। एला कहती है, क्या अपने पहले के रिश्ते भी भूल जाओगे। जिस पर डेविड कहता है, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो। एला कहती है, नहीं मैं प्यार करती हूँ डेविड। जिस पर डेविड फिर से गुस्सा करता है और कहता है कि हाँ माना मेरी बहुत गलतियां हैं और उसी वजह से तुम बाहर प्यार ढूंढने लगी। जिस पर एला कहती है कि मैं प्यार बाहर नहीं ढूंढने गई, जैसा कि रूमी कहता है प्यार हमारे मन के अंदर होता है, बस हमें वो बाधाएं तोड़नी पड़ती हैं, वो बैरियर्स हटाने पड़ते हैं जो हमें प्यार तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं। डेविड कहता है, देखो एला तुम क्या बन गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो, मेरी पहली वाली एला ही अच्छी थी, वही बन जाओ। एला की भूख मिट चुकी है, वो कुछ नहीं खाना चाहती। वो डेविड से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इधर स्वीट ब्लास्फेमी नॉवल में रूमी की रेपुटेशन स्पॉइल हो गई है। शहर में हर कोई रूमी के अगेंस्ट बातें कर रहा है, वो क्योंकि शराब खाने में गया, शराब लेकर आया। लोगों के हिसाब से तो वो एक शराबी बन गया है, हालांकि उसने शराब को छुआ भी नहीं। उस दिन जब वो शराब की बोतलें लेकर आया था तब शम्स भी तो उसे सिर्फ टेस्ट ही कर रहा था, ना उसे पीनी थी ना रूमी को पिलानी थी।
शम्स ने दोनों बोतलें शराब की बाहर खाली कर दी थी। उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी, तभी उसे मस्जिद में घुसने की इजाजत मिलेगी। बहुत सारे लोग तो शम्स को इस सब का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, पर बेबर्स का अंकल शीख यासिन, जो कि मदरासा में पढ़ाता है, उसका कहना है कि हाँ, इसमें गलती शम्स की हो सकती है, पर रूमी भी एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो एक अच्छा इंसान होता तो वो शम्स को अपने करीब आने ही ना देता। उसकी बातें क्यों सुनी उसने? पहले तो उसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की, और दूसरा एक दरविश को अपना दोस्त बनाया। क्या हम रूमी को एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? नहीं। शेख यासिन शम्स को बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो उसे अपने आसपास भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो उसे इस शहर से निकाल देना चाहता है। आज जब वो मदरासा में पढ़ाने पहुंचता है तो वहां पहले ही बच्चों के साथ शम्स बैठा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों को कहता है कि तुमने इस आदमी को यहाँ मदरासा में घुसने क्यों दिया? जिस पर शम्स कहता है, ये लोग तो मना कर रहे थे, पर मुझे लगा आज मेरे पास टाइम है, क्यों ना मैं उस आदमी से मिल लूं जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। शम्स मौलाना से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी सवाल पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। जिस पर मौलाना कहता है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। तब शम्स कहता है, चलो हर सवाल का जवाब है तो ये भी बता दो कि शैतान कहाँ होते हैं। मौलाना का कहना है कि शैतान तो हमारे आसपास हैं, मर्डरर्स हैं, वो जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, बहुत तरह के शैतान हमारे आसपास हमें मिल ही जाते हैं। शम्स कहता है, अच्छा शैतान हमारे अंदर नहीं होते, तो फिर तो चीजें बहुत आसान है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, शैतान तो बाहर ही है। वो मौलाना जो अभी तक कह रहा था कि मुझे हर सवाल का जवाब पता है, वो अब सवाल पूछने लगा था। शम्स का कहना है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मुझे हर सवाल का जवाब पता है, मुझे सब कुछ आता है, वो सबसे एरोगेंट, सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। वो लोग जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, वो खुद गलत होते हैं। हमें किसी को भी जज करने का, किसी के ऊपर भी कमेंट्स पास करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, क्यों हमें दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरफेयर करना है? जो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर होते हैं ना, वही दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, जो अपने अंदर गलती ढूंढे, अपने आप को बदले, वही असली टीचर होता है। बेबस को जब ये पता चला कि शम्स ने उसके अंकल के साथ बहस की, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। पहले ही वो शम्स से बहुत नफरत करता था, और अपने अंकल की बेइज्जती ये तो वो नहीं सह सकता था। तो और दूसरा, वो शम्स ही तो है जिसने डेजर्ट रोज को मस्जिद के बाहर बचाया था, जिसने डेजर्ट रोज को कन्विंस किया था कि वो कोठा छोड़कर चले जाए भगवान की तलाश में। बेबस बाद में भी डेजर्ट रोज को ढूंढता हुआ कोठे पर गया था, पर वो नहीं मिली थी, और वो इस बात के लिए भी शम्स को ही जिम्मेवार ठहरा रहा था। इधर घर आने के बाद एला ने चिट्ठी लिखी थी अजीज को, लिखा था अपनी फीलिंग्स के बारे में। उसने लिखा कि पहले उसे अजीज के वो शब्द, वो किताब, उसकी बातें पसंद आई थी, और पता नहीं कब वो उन बातों से, उस आदमी से ही प्यार कर बैठी। अब वो नहीं जानती कि वो क्या करे। उसने ये चिट्ठी अजीज को पोस्ट कर दी थी। इधर रोज पहुंची थी रूमी के घर शम्स को ढूंढती हुई। वहां पर शम्स और रूमी उस समय नहीं थे, कैरा थी, रूमी की वाइफ। कैरा ने उसे वहां बाहर ही बिठा दिया था। जब शम्स और रूमी आए तो उसने बताया कि रोज वो तवायफ आई है, जिस पर शम्स ने कहा कि उसे अंदर बुला लो। कैरा ने कहा, अंदर लोग क्या कहेंगे अगर वो जानेंगे कि एक तवायफ और हम एक ही छत के नीचे हैं? पर शम्स, उसके पास तो हर सवाल का जवाब है, उसने कहा, अल्टीमेटली भी तो हम सब एक ही छत के नीचे हैं। उसने इशारा किया आसमान की तरफ, भगवान की उस विशाल छत की तरफ जिसके नीचे हम सब एक बराबर हैं। कैरा ने उसी समय रोज को अंदर बुला लिया और उसे सोने के लिए कमरा दिखा दिया। तभी रूमी ने कैरा को बताया था उस स्पिरिचुअल डांस के बारे में, जो कि सूफीज का होता है, जो शम्स ने उसे सिखाया था, जिसमें आप भगवान को पा लेते हो। कैरा ने कहा, लोग डांस के बारे में बहुत अच्छा नहीं समझते, तो क्या हम अभी इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? ऑलरेडी ही बहुत बातें बन रही हैं। जिस पर शम्स ने कहा, बहुत सारे लोग तो भगवान में विश्वास करने को भी अच्छा नहीं समझते, तो क्या हम उसे भी पोस्टपोन कर दें? कैरा,
उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इधर एला आज खाना बना रही थी, सोच रही थी कि कुछ अच्छा बनाती हूँ, ज्यादा टाइम बिताती हूँ, तब उसके फोन पर एक मैसेज आया था। उसने इग्नोर किया था, हो सकता है उसकी किसी फ्रेंड का हो। खाना बनाने के बाद, टेबल सजाने के बाद जब उसने फोन चेक किया तो मैसेज अजीज का था। उसने लिखा था कि वो आम्स्टरडैम से बॉस्टन आया है किसी काम के लिए और उससे मिलना चाहता है। एला बहुत क्यूरियस हो गई थी। डेविड ने उसके फेस पर वो चेंज नोट किया था, पूछा था कि किसका मैसेज है, जिस पर एला ने कहा कि उसकी फ्रेंड का है। डेविड ने पूछा, अच्छा तो क्या कह रही है तुम्हारी फ्रेंड? एला ने कहा कि कल एक मीटिंग है और वो चाहती है कि मैं बॉस्टन आ जाऊं। डेविड ने कहा, ठीक है हम दोनों साथ में जाते हैं। एला जानती थी कि डेविड उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उसे शायद शक हो चुका है। तब एला ने कहा कि मीटिंग सुबह 9 बजे है और मैं सोच रही हूँ कि सुबह 6 बजे निकल जाऊँ, मीटिंग से पहले कुछ बात भी करनी है। एला जानती है कि डेविड अर्ली राइजर नहीं है। तब एला का बेटा कहता है, पापा फिर तो आप नहीं जा पाएंगे, इतनी सुबह आप कैसे उठेंगे? डेविड कहता है, हाँ फिर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, इतनी सुबह कैसे उठूंगा, चलो तुम अकेले ही चले जाना। तब एला कहती है, क्यों ना मैं आज रात को ही चली जाऊं, मैं वहां बॉस्टन में रात को अपने घर में रह जाऊंगी और सुबह जल्दी मीटिंग के लिए चली जाऊंगी, लेट भी नहीं होंगी। डेविड कहता है, हाँ ऐसा भी कर सकती हो। एला बहुत एक्साइटेड हो गई थी, अपने कमरे में चली गई थी। अगर अजीज ने पहले बताया होता तो वो पार्लर चली जाती, अपने बाल ठीक करा लेती, वैक्सिंग कराती, उसे अजीज के सामने बहुत खूबसूरत दिखना था, तैयार होना था। पर फिर वो सोचने लगी, क्यों क्यों दिखना है उसे खूबसूरत? आखिर अजीज और उसके बीच में क्या ही रिश्ता है? वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, वो सबको छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ अजीज से मिलने जा रही है। ये सोचकर वो तैयार हुई, बैग पैक किया। जब बच्चों को गुड नाइट कहकर कार की तरफ जा रही थी तो डेविड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कार के गेट को हाथ लगाया, चाबी से कार खोली तो उसका हाथ एक बार कांपा जरूर था। उधर नॉवल स्वीट ब्लास्फेमी में रूमी और शम्स का प्यार नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। रूमी ने एक स्टेज शो तैयार किया था जिसमें शम्स अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ वो डिवोशनल डांस प्रेजेंट करने वाला था। उस दिन बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे, इनफैक्ट हर कोई उस डांस को देखने आया था, यहाँ तक कि वहां का एम्परर भी आया था। पूरा हॉल जाम पैक था, रूमी के दोनों बेटे भी वहां पर थे। कोई पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था तो कोई नेगेटिविटी। जब शम्स ने स्टेज पर वो डांस परफॉर्म किया तो वो एक अलग लेवल का डांस था, अलग दुनिया में आपको ले जाने वाला था, जिसे देखकर हर कोई खो गया था। एम्परर बहुत खुश हो गया था, बहुत सारी सोने की मोहरे वो शम्स को देना चाहता था। शम्स ने वो मोहरे वापस फेंक दी थी और कहा था कि ये डांस मैंने पैसों के लिए नहीं किया है। इस तरह से उसने एम्परर की इंसल्ट की थी। वहां अजीब सा सन्नाटा हो गया था, बहुत सारे लोग एम्परर के साथ उठकर वहां से चले गए थे, जिनमें अलादीन भी था। ये लोग जानते हैं कि शम्स का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वो कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, उसके मन में किसी की इज्जत नहीं है। अगर एम्परर चाहता तो उसी समय उसे जेल में बंद कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। अलादीन उसे बहुत इंसल्टेड महसूस हुआ था, आखिर उसके पिता को ये क्या हो गया है, किसी तरह तो इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा। कुछ दिनों के बाद ही रूमी सुल्तान के कमरे में आता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, आंखों के नीचे काली शाही फैल चुकी है, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है, जैसे इन कुछ दिनों में उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। वो बहुत परेशान था, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुल्तान ने पूछा, कुछ भी, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब रूमी ने बताया, शम्स कहीं नहीं मिल रहा, वो उसे छोड़कर चला गया है। रूमी जो बहुत ज्यादा दुख में डूबा हुआ था, वो सुल्तान से चाहता था कि वो शम्स को ढूंढे। एक बार तो सुल्तान को लगा कि ये तो एक अच्छी खबर है, जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ हो, अब उनकी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। बट पिता चाहते थे, इसलिए उनके कुछ डिसाइपल्स के साथ सुल्तान पूरे 1 हफ्ते तक शम्स को ढूंढता रहा, जो उसे कहीं भी नहीं मिला। तब एक दिन उसे कैरा मिली। कैरा ने पूछा, तुम शम्स को ढूंढ रहे हो? सुल्तान ने कहा, हाँ अगर वो नहीं मिला तो? कैरा ने कहा, हमारी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। सुल्तान ने कहा, तो क्या करूँ, नहीं ढूंढूं?
पिताजी को झूठ बोल दूं कि ढूंढ रहा हूं और इस खोज इस तलाश को बंद कर दूं? कैरा चुप रही, कुछ नहीं बोली। सुल्तान जानता है कि उसे डिसीजन खुद ही लेना होगा। वो जानता है कि शम्स की वजह से उसके परिवार में बहुत तकलीफें, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उन्होंने बहुत सफर किया है। अब शम्स नहीं होगा तो बाकी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, पर उसके पिता, क्या वो पहले जैसे हो पाएंगे? क्या वो नॉर्मल हो पाएंगे? उनको इस तरह से दुखी वो नहीं देख सकता था, इसलिए उसे शम्स को ढूंढना ही था और उसने शम्स की तलाश जारी रखी। रूमी बहुत अकेला, बहुत तन्हा, बहुत ज़्यादा दुख में डूब चुका था। ना किसी से बात करना चाहता था, ना परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। शम्स के ना होने पर भी रूमी तो वापस नहीं आया था। इनफैक्ट उसने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था, वो पोएम्स जो वो सोच कर नहीं लिखता था। कुछ भी शब्द उसके मुँह से अचानक निकलते थे और एक पोएम बन जाते थे। शम्स ने उसे कहा था ना, तुम प्यार की आवाज़ की तरह पूरी दुनिया में जाने जाओगे। 10 महीने हो चुके थे, शम्स नहीं मिला था, रूमी बहुत अकेला था, बहुत तन्हा, बहुत दुखी था। तब एक दिन सुल्तान को शम्स मिला, एक पेड़ के नीचे बहुत सारे और सूफीज के साथ ताश खेल रहा था। सुल्तान ने कहा, आप यहाँ? मेरे पिता वहाँ कितना परेशान है। जिस पर शम्स ने कहा कि वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि मैं कौनिया में रहूँ, तुम्हारे पिता के करीब रहूँ, तो मैं क्या करूँ? सुल्तान ने कहा, पर मेरे पिता तो ऐसा चाहते हैं, आपको उनके लिए वापस आना होगा। शम सुल्तान से कहता है कि तुम अपने पिता के एक बहुत अच्छे कंपेनियन बन सकते हो। सुल्तान कहता है, पर उन्हें आपकी जरूरत है, मेरी नहीं। सुल्तान बहुत इंसिस्ट करता है। तब शम सोचता है, उसके लिए भी तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। उसे कहा गया है कि अगर वो कौनिया में रहा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, पर रूमी के बिना रहना, क्या एक जिंदा लाश की तरह रहना मर जाने से बेहतर है? इससे तो बेहतर है कि वो रूमी के साथ रहे, जो होगा वो देखा जाएगा। तब सुल्तान के इंसिस्ट करने पर और अपने दुख को कम करने के लिए शम्स एक बार फिर रूमी की जिंदगी में वापस लौट आया था। इधर सिर्फ रूमी परेशान नहीं था शम्स के जाने से, कोई और भी परेशान था, किम्या, जो शम्स से प्यार करने लगी थी। जब उसे रूमी पहली बार मिला था, तब रूमी ने कहा था कि एक लड़की अच्छी स्टूडेंट नहीं बन सकती, क्योंकि एक दिन उसे शादी करनी होती है, उसे बच्चे पैदा करने हैं, उसे परिवार पालना है। तब किम्या ने सोचा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, पर अब उसका मन बदल गया था और तब उसने रूमी से बात की थी। रूमी को कहा था कि मैं शम्स से शादी करना चाहती हूँ। रूमी बहुत हैरान हुआ था सुनकर। किम्या ने कहा कि अगर मैं उससे शादी कर लूँगी तो वो भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा और मुझे भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ेगा। रूमी ने पूछा, क्या यही कारण है शादी करने का? जिस पर किम्या ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि शम्स ही मेरी डेस्टिनी है। यही एक तरीका था किम्या के पास अपने पिता को कहने का कि वो शम्स से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर रूमी की वाइफ कैरा भी बहुत हैरान हुई थी। उसने किम्या से पूछा था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर किम्या ने कहा था, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और फाइनली किम्या और शम्स का निकाह हो गया था। इधर एला बॉस्टन पहुंची थी, रात को अपने घर पर रुकी थी। सुबह अजीज से एक कप कॉफी के लिए मिलने वाली थी। वो एक कप कॉफी कब, पता नहीं कितने कप बन गया, उसे समझ भी नहीं आया। वो दोनों बहुत सारी बातें करना चाहते थे, उनकी बातें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। तब अजीज ने उसे किस किया था, उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, वो बहुत खुश थी, बहुत कंप्लीट महसूस हो रहा था। अजीज ने उसे पूछा था, क्या मेरे बेडरूम में चलोगी? थोड़ा कंफ्यूज हुई थी बट मना नहीं कर पाई थी, हाँ कह दिया था। जब अजीज के कमरे में पहुंची तो वो कमरा जो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, क्या करे क्या ना करे, किस सिचुएशन में पहुंच गई है, बट यहाँ से जाना भी नहीं चाहती कि सब कुछ पाना भी चाहती है। अजीज ने उसे बेड पर बिठाया था, कहा था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, चलो पहले उन सब सवालों को दूर करते हैं। एला ने कहा था, क्या तुम मुझे प्यार करोगे? अजीज ने कहा, मैं तुम्हें ऑलरेडी ही बहुत प्यार करता हूँ। एला उसके करीब आना चाहती थी, अजीज के साथ एक होकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी, पर अजीज ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो तुम बाद में रिग्रेट करो। और एला अपने बॉस्टन के घर में वापस लौट आई थी। उधर नॉवल स्वीट ब्लास्फेमी में
केम्या और शम्स की शादी हो गई थी। आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। केम्या बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। वहीं जब शम्स केम्या के रूम में आया तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया। उसे अचानक से महसूस हुआ कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने केम्या से कहा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। केम्या ने कहा, अगर तुम आज रात को बाहर चले गए तो लोग बातें बनाएंगे, मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे। शम्स ने एक चक्कू लेकर अपना हाथ काटा, कुछ खून उसने बेडशीट पर लगा दिया और कहा, लोगों को ये दिखा देना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर जा रहा था। केम्या चिल्ला रही थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो, इस तरह तुम मुझे आज की रात छोड़कर नहीं जा सकते। पर शम्स बाहर चला गया था। उसे समझ आ गया था कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये गलती सिर्फ शम्स को ही नहीं लग रही थी, अलादीन को ये बहुत बहुत बड़ी गलती लग रही थी। उसे लग रहा था कि अब इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। उसके माता पिता तो ऑलरेडी उसे छोड़ चुके थे, अब उसका प्यार भी नहीं बचा था। और इस सब का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी था, शम्स। शम्स की वजह से आज वो सब कुछ खो चुका था। और केम्या, क्या उसने कुछ पाया था? केम्या शम्स से प्यार करती थी, उसे पाना चाहती थी, उसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। पर शम्स को पाना इतना आसान नहीं था। शम्स उसके कमरे में आता, उसके साथ बातें करता, कभी कभी ये दोनों किताबें साथ में पढ़ते, कभी कभी वो उसे 40 रूल्स ऑफ रिलीजियस लव बताता। बट हस्बैंड वाइफ जैसा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। केम्या हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। शम्स उसके पास होता तो कभी कभी उसे बहुत हंसाता, और कभी कभी जब वो उसके कमरे में जाती तो उसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देता, उसे इंसल्ट करता। चीज़ें केम्या के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी। इन दोनों के निकाह को 7 महीने हो चुके थे और केम्या शम्स को पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, डेजर्ट रोज। वो रोज़ के पास गई थी और पूछा था कि तुम तो सब जानती हो, मुझे सिखाओ कि एक आदमी को सिड्यूस कैसे किया जाता है। रोज़ ने कहा, शम्स जैसे आदमी को सिड्यूस करना आसान नहीं है, पर केम्या वो जानती है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है और वो हर मुश्किल पार करके शम्स तक पहुँचना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है। रोज़ ने कहा, वो एक एनलाइटेंड मैन है, उसे कैसे सिड्यूस कर पाओगी। केम्या ने कहा, है तो आदमी ही और उसकी डिजायर्स तो होंगी ही, किसी तरह मुझे उसे बस अराउज करना है, प्लीज मुझे सिखा दो। तब रोज की मदद से केम्या ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। अलग अलग तरह के लेप अपने शरीर पर लगाए थे, अपने आप को बहुत सुगंधित गोरा बनाया था और खूबसूरत दिखना चाहती थी। रोज के साथ जाकर कुछ नए कपड़े लेकर आई थी, सिल्क अंडरगारमेंट्स, सिल्क की रोब, मेकअप लगाया था, बाल बनाए थे और तैयार हो गई थी शम्स को सिड्यूस करने के लिए। एक शॉल ओढ़कर शम्स के कमरे में गई थी। शम्स ने उसे देखा तो बड़ा हैरान हो गया था, और जब उसने वो शॉल हटाई तो और भी ज्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया। कहा कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, क्या चाहती हो तुम? जिस पर केम्या ने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। शम्स ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं चाहती, तुम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती हो। केम्या उसके करीब आ गई, उसे छूने लगी, उसे किस करने की कोशिश करने लगी। तब शम्स ने उसे बहुत बेइज्जत किया, बेइज्जत करके कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया, कहा कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक सेकंड भी इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचा कुछ और था, पर हुआ बिल्कुल उसका उलट, जिसका केम्या के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई, रोती रही रोती रही। उस दिन के बाद वो कमरे से बाहर ही ना निकली, बहुत बीमार हो गई, बहुत तेज बुखार हो गया, बहुत सारे हकीमों को बुलाया गया, उसका इलाज करवाया गया, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। शम्स उसके कमरे में जाना ही नहीं चाहता था, उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। कभी कभी उसे लगता कि शम्स उसके पास बैठा है, उसे होल्ड किया है। कभी वो सोचती कि शम्स कभी उसके पास नहीं आएगा या लोग उसे अंदर नहीं आने दे रहे। दिल और दिमाग सिर्फ शम्स में लगा था, और 10 दिन के अंदर वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। अजीज जो कि बॉस्टन में 6 दिन के लिए आया था, असल में उसे कोई काम नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एला से मिलने ही आया था। रोज एला सुबह अजीज से मिलने जाती, दोनों साथ में कॉफी पीते, साथ में घूमते, कभी म्यूजियम्स, कभी मार्केट। पब्लिकली वो एक दूसरे को टच नहीं करते, पर एला के लिए मुश्किल होता था। और जब वो दोनों अकेले होते
तो एक दूसरे को किस करते, हाथ पकड़ते। एला कई बार अजीज के कमरे में गई, वो दोनों प्यार करना चाहते थे, बहुत करीब वो उसके आना चाहती थी, पर अजीज हमेशा उसे रोक देता था। आज जब अजीज वापस एम्स्टर्डम जाने वाला था, बैग्स पैक हो चुके थे, अजीज की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तब एला ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अजीज ने कहा, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, पर पहले तुम कहो। एला ने तब अजीज को बताया कि उसका हस्बैंड डेविड इन दोनों के बारे में जान चुका है, उसने इन दोनों के मेल्स पढ़ लिए हैं और उसने अपने हस्बैंड के सामने कन्फेस किया है कि वो अजीज को प्यार करती है। उसने तब अजीज को कहा कि वो उसके साथ एम्स्टर्डम जाना चाहती है। अजीज ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया, कहा कि मैं भी तुम्हें अपने साथ एम्स्टर्डम लेकर जाना चाहता हूँ, मैं भी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें कोई भी फ्यूचर प्रॉमिस नहीं कर सकता। एला ने पूछा, क्यों? अजीज ने कहा, एक्चुअल में तो कोई भी किसी को कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बट तुम जब मेरी जिंदगी में आई तो वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था। एला ने पूछा, क्यों, क्या तुम किसी और रिलेशनशिप में थे? अजीज ने कहा, नहीं। अजीज ने बताया कि जब वो सूफी बन गया था, इधर से उधर घूम रहा था, फोटोग्राफ कर रहा था, तब एक बार उसके हाथ में एक फोड़ा हुआ था। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे स्किन कैंसर है। डॉक्टर ने कहा 3 साल से ज्यादा वो नहीं जी पाएगा। अजीज जो कि तब बहुत सारी जगहों पर घूमना चाहता था, एक बुक लिखना चाहता था, उसने तब एम्स्टर्डम में सूफीज की एक कम्युनिटी बनाई थी, बहुत सारे देश के लोगों को उसके साथ कनेक्ट किया था ताकि वो उन सारी जगहों पर जा सके जहां वो जाना चाहता था। बुक बहुत टाइम से लिखना चाहता था पर आलस के कारण नहीं लिख पा रहा था, उसने वो बुक भी लिख दी थी। जब अमेरिका में एक पब्लिशर को वो बुक भेजी तब एक लड़की का ईमेल आया था। अजीज जो एक सूफी है, सूफीज मरने से पहले मरना जानते हैं, मौत उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, पर उस लड़की का ईमेल आने के बाद अजीज के मन के अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। वो मरना नहीं चाहता था, वो सोचता था कि वो एक सच्चा सूफी बन चुका है और उसे मौत से कोई डर नहीं है, पर इस लड़की ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था, मौत का डर उसके अंदर पैदा कर दिया था। अजीज ने कहा, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास 16 महीने का टाइम है और ये टाइम हम दोनों एक साथ बिता सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और उसके बाद हम कोन्या चले जाएंगे जहां पर मैं मरना चाहता हूँ। एला की आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कहा, प्लीज ऐसा मत कहो, और तुम मेरे लिए लड़ भी तो सकते हो इस बीमारी से। अजीज ने कहा, क्यों क्यों हमें हमेशा हर चीज से लड़ना है, चाहे वो कोई बीमारी हो, पैसे की कमी हो, एक्स्ट्रा वेट हो, क्यों क्यों हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एला ने कहा, अजीज मैं कोई सूफी नहीं हूँ। अजीज ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ और तुम्हें सूफी बनने की जरूरत भी नहीं है, बस मेरे लिए मेरी रूमी बन जाओ। एला ने कहा, क्या? हाँ तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें मैं शाम्स जैसा लगता हूँ, हालांकि शाम्स एक बहुत महान इंसान था, मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रूमी बन जाओ, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। एला ने कहा, पर मेरी शादी हो चुकी है अजीज, मेरे 3 बच्चे हैं। अजीज ने कहा कि हाँ एला, पर ये दुनिया हमेशा तो बदलती रहती है, प्यार एक इंसान को बदल देता है, प्यार एक जर्नी की तरह है, जिंदगी भी तो एक जर्नी ही है और तुम अपने प्यार के लिए इस जर्नी पर जा सकती हो, अपनी जिंदगी को बदल सकती हो, इस नए चेंज को एक्सेप्ट कर सकती हो एला। पर एला के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, ये डिसीजन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब अजीज ने कहा, जाओ एला तुम अपने घर जाओ और सोचना इस बारे में, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और अपनी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगा। दूसरी तरफ नॉवल में प्लान बनाया जा रहा था, मर्डर का प्लान, शम्स के मर्डर का प्लान। जब ये सब लोग शम्स के मर्डर का प्लान बना रहे थे तो वहीं पास ही में शराब पीता हुआ सुलेमान भी था। सुलेमान ने कुछ बातें सुनी थी, प्लान बनाया जा रहा है, उसने थोड़ी शराब भी पी हुई थी, पर उसने ठीक से सुना था कि ये प्लान शम्स के मर्डर का ही है। वो बहुत डर गया था, निकल गया था शम्स की तलाश में। शम्स को ढूंढ कर वो उसे रूमी के घर जाने से रोकना चाहता था। जब उसे शम्स मिला तो उसने शम्स को कहा कि तुम्हारे मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है, तुम रूमी के घर बिल्कुल मत जाना, वो लोग तुम्हें मार देंगे। शम्स ने कहा, मर्डर?
जिंदगी मौत ये सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो चाहता है, अगर उसने तय किया है कि मुझे मरना है तो मुझे मरना ही होगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। पर सुलेमान बार बार उसे कह रहा था, प्लीज़ तुम रूमी के घर मत जाओ, मेरे घर चलो, मेरा घर थोड़ा छोटा है, तुम्हें बहुत छोटा लग सकता है, पर फिर भी कम से कम वहाँ वो मर्डरर्स तो नहीं आएंगे, प्लीज़ शम्स आज रात वहाँ चलो। पर शम्स नहीं माना था और वो रूमी के घर ही चला गया था। उसके बाद जो हुआ वो बहुत बहुत डरावना था। शम्स के मर्डर के लिए जिस आदमी को अपॉइंट किया गया था वो रात के अंधेरे में रूमी के घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। उसे बताया गया था कि रात को शम्स कोर्टयार्ड में आता है और वहाँ मेडिटेट करता है, वो उसका इंतजार कर रहा था। तब उसने 5 और आदमियों को वहाँ आते हुए देखा था, समझ गया था कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि इस आदमी ने अपना काम ठीक से किया या नहीं किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, मर्डर को लग रहा था पता नहीं शम्स आएगा या नहीं, पर शम्स कोर्टयार्ड में आया था। जैसे वो डायरेक्टली उसी मर्डरर की तरफ देख रहा था। शम्स ने कहा, आज का मौसम तो अच्छा नहीं है। मर्डरर थोड़ा घबरा गया, क्या शम्स उससे बात कर रहा है? तब शम्स ने कहा, तुम कहाँ हो और किस काम के लिए आए हो, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तब वो मर्डरर पेड़ के पीछे से निकल कर शम्स के सामने आया था। वो मर्डरर कुछ करता कुछ सोच पाता उससे पहले ही उन 5 आदमियों ने शम्स के ऊपर अटैक किया, उसे मार दिया और फिर इन सब ने मिलकर शम्स की बॉडी को कुएं में डाल दिया। इन सब लोगों को उसी समय वहां से भाग जाना चाहिए था। वो 5 आदमी तो भाग भी गए थे पर ये मर्डरर रुका था। इसने देखा था कि रूमी शम्स को देखता हुआ बाहर आया है, कोर्टयार्ड में उसे आवाजें लगाता हुआ ढूंढ रहा है। तब रूमी उस कुएं के पास पहुंचा, कुएं में देखा और एक बहुत दर्दनाक चीख रूमी के मुंह से निकली। उधर एला ने अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया था, उसने अपने सूटकेसेस पैक कर लिए थे, सबके लिए लंच बना दिया था, टेबल सेट कर दिया था। शम्स का एक रूल ये भी तो है, इट इज नेवर टू लेट टू आस्क योरसेल्फ इज दिस द लाइफ यू वांट टू लिव, क्या तुम इस जिंदगी को हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो। जिंदगी में चेंज लाने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है, मरने से पहले मौत को एक्सेप्ट कर लो, फिर तुम्हारे लिए चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत आसान होगा। इधर नॉवल में रूमी की जिंदगी का प्यार शम्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। रूमी एक पोएट बन गया था, वो कुछ भी बोलता था, उसके मुंह से कुछ भी लाइनें निकलती थी, वो एक बहुत अच्छी पोयम, एक बहुत अच्छी सेइंग बन जाती थी। रूमी का बेटा सुल्तान अपने पिता की कही उन लाइनों को लिखता, उनकी कॉपीज बनाता। रूमी शम्स के जाने के बाद किसी से बात ही नहीं कर रहा था। एक दिन अलादीन आया था उससे बात करने, रूमी ने बात करने से इनकार कर दिया था, कहा था कि मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता। अलादीन ने तब कन्फेस किया कि वो मर्डरर्स को जानता था, वो जानता था कि ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, पर उसका शम्स के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। जिस पर रूमी ने कहा, पर तुम्हारे हाथों में तो खून लगा हुआ है। अलादीन अपने हाथों को देखने लगा, कपड़ों को देखने लगा, तब समझा कि एक ट्रैप था। रूमी ने कहा, जाओ चले जाओ यहाँ से। अलादीन वहाँ से आ गया था पर सोच में पड़ गया था कि शम्स के आने के बाद उसके पिता हर किसी से प्यार करने लगे थे, यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी उनके मन में इज्जत बढ़ गई थी, प्यार बढ़ गया था। कोई भी गरीब है, भिखारी है, कोई भी है, हर किसी से उसके पिता प्यार करने लगे थे, बस एक आदमी से प्यार नहीं कर पाए थे, वो था उनका खुद का बेटा अलादीन। अलादीन ये सोचकर बहुत दुखी था। शम्स के 40 रूल्स में से जो 39th रूल था वो ये था कि 5 चेंज हो सकते हैं पर एज अ होल ये यूनिवर्स हमेशा एक जैसा रहता है, बैलेंस बना रहता है, ताकि ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता रहे। अगर कोई चोर कोई डाकू मरता है तो कहीं किसी और समय में कोई और चोर डाकू पैदा होता है, एक अच्छा इंसान मरता है तो कहीं और एक अच्छा इंसान पैदा होता है। एक शम्स गया है तो कभी ना कभी किसी और सेंचुरी में एक और शम्स पैदा जरूर होगा। एला जो कि कॉर्निया के एक हॉस्पिटल में है, एला ने जब डिसीजन लिया था घर छोड़ने का तो सब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा था, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी उसके दोस्त सब लोगों ने, तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो एक ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं, अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर
कैसे जा सकती हो? एक औरत इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं ले सकती। एला को कहा गया था कि उसके बच्चे उसे कभी माफ नहीं करेंगे, पर एला ने डिसीजन ले लिया था और वो अजीज के साथ चली गई थी। एक साल हो गया है, इन दोनों ने बहुत दुनिया घूमी और फाइनली ये कॉर्निया में आ गए थे। कल रात को जब ये डिनर कर रहे थे तब अजीज गिर गया था और एला उसे हॉस्पिटल ले आई थी, यहाँ एडमिट करा दिया था। अजीज की हालत बहुत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल के बाहर गई, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए वो प्रे कर रही थी। पर जब वापस लौटी तो डॉक्टर ने अजीज के मुंह पर कपड़ा ढक दिया था। अजीज ये दुनिया छोड़कर चला गया था। एला उस समय इस पूरी दुनिया में जैसे अकेली हो गई थी। वो एक ऐसी जगह पर थी जिसे वो नहीं जानती थी। ये नॉर्थहैम्पटन तो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। ये जगह, यहाँ के लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अलग, बहुत नया, बहुत अजीब था। एला को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब उसने घर छोड़ा था तो उसकी बेटी जेनेट ने उसे सपोर्ट किया था, कहा था माँ तुम अपने प्यार के लिए ये डिसीजन ले लो। एला ने जब अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उसकी बेटी ने पूछा तुम कैसी हो माँ? तब एला ने बताया कि अजीज की मौत हो चुकी है। जेनेट ने पूछा तो अब आप फाइनली वापस आ रही हैं? एला ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्या वो वापस जाना चाहती थी? नहीं, उसके पास कोई पैसे नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, बट वो वापस नहीं जाना चाहती। तब उसने जेनेट से कहा मैं एम्स्टरडैम जाऊंगी, एक घर किराए पर ले लूंगी, क्या करूंगी आगे कोई प्लान नहीं बनाना चाहती, एक दिन एक प्लान। पर मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई बहनों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्या तुम लोग मुझसे मिलने आओगे? जेनेट ने कहा हाँ मॉम जरूर आएंगे, बट आर यू श्योर आप वापस नहीं आना चाहती? एला ने कहा नहीं मैं वापस नहीं आऊंगी। शम्स का 40th रूल था, प्यार के बिना की जिंदगी का कोई मायने नहीं है। कैसा प्यार आपको चाहिए? सूफी, रिलीजियस, मटेरियलिस्टिक, डिवाइन, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सब कुछ मत सोचिए, क्योंकि जितने डिविजन्स करेंगे उतने और सब डिविजन्स होते जाएंगे। सच्चे प्यार का कोई डिविजन नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता, ये एक प्योर सिंपल प्यार होता है। जो होता है बस वही होता है, प्यार और सिर्फ प्यार। प्यार हमारी जिंदगी में पानी के जितना ही जरूरी है, और लवर वो हमारी आत्मा की वो आग है। जब आग और पानी मिलते हैं तो इस यूनिवर्स में कुछ नया, कुछ अलग होता है। उम्मीद करती हूँ नॉवल की कहानी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी अलग कहानी थी, कुछ नया, कुछ डिफरेंट सीखने को, जानने को आई एम श्योर आपको ज़रूर मिला होगा। कभी कभी कुछ कहानियाँ लीक से हटकर होती हैं और वो एक अलग इम्पैक्ट आपके दिमाग पर छोड़ कर जाती हैं। हम सब प्यार की बातें तो करते ही हैं और प्यार कितना ज़रूरी है ये इस नॉवल के थ्रू हमने जाना है। प्यार किसी से भी हो सकता है, भगवान से हो सकता है, इंसान से हो सकता है, बट प्यार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। प्यार के बिना की ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है। तो चलिए फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते कोई और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी आपके लिए लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आई है नॉवल तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और किस तरह की और कहानियाँ, किस तरह की और नॉवल्स की समरीज आप मुझसे सुनना चाहते हैं। चलिए दीजिए इजाज़त। आई विल बी बैक सून विद अनदर इंटरेस्टिंग novel summary. Till then, you stay happy, keep smiling and keep waiting for me. Bye-bye, take care.